हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो इसमें हम 50 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं आज। तो गाइस, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए या किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक पे, या एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन एटम डज नॉट एमिट एक्स रेज बिकॉज ए एनर्जी लेवल्स आर क्लोज, बी एनर्जी लेवल्स आर फार, सी इट हैज स्मॉल मास, डी इट हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो इट्स रीजन इज ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी लेवल्स आर क्लोज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इन एन एक्स रे ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड एक्स रे बीम इज इंक्रीज बाय ए इंक्रीजिंग फाइलामेंट करंट, बी डिक्रीजिंग फाइलामेंट करंट, सी इंक्रीजिंग टारगेट पोटेंशियल, डी डिक्रीजिंग टारगेट पोटेंशियल। सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंक्रीजिंग फाइलामेंट करंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बालमन सीरीज इज। सो फ्रॉम दीज फोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बालमन सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, सीरीज दैट लाई इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ए लेमन सीरीज, बी बालमन सीरीज, सी ब्रैकेट सीरीज, डी बोथ ए एंड बी। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रैकेट सीरीज लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ ए लाइन स्पेक्ट्रा, बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, सी बैंड स्पेक्ट्रा, डी बोथ ए एंड बी। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर हैड इन द एटम ड्यू टू ए कॉलम फोर्स, बी न्यूक्लियर फोर्स, सी एटॉमिक फोर्स, डी बोथ ए एंड बी। सो इट इज ड्यू टू कॉलम्स फोर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल इन एटम ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डी जीरो। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर एट, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन ए आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, बी क्लासिकल थ्योरी, सी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी बोथ ए एंड बी। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज A equal B one half, C two times, D one fourth. So here option B is the correct answer, that is one half. Question number 10th is, rest mass of X-ray photon is A 9.1 into 10 raised to power minus 31, B 8.1 into 10 raised to power minus 31, C infinite, D zero. So here option D is the correct answer, that is zero. Question number 11th is, according to Bohr's atomic model, the angular momentum of electron in orbit is equal to an integral multiple of A to h by pi, B h by 2 pi, C h by pi, and D is 2h by 2 pi by nh. So here option B is the correct answer, that is h by 2 pi, okay? Question number 12th is, the shortest wavelength in Lyman series is equal to A RH, B RH by 2, C 1 by RH, D 2 by 3 RH. So here option C is the correct answer, that is 1 by RH. Question number 13 is, ionization energy of hydrogen atom in ground state is A 13.5 joule, B 13.6 electron volt, C 14 electron volt, and D is 13.6 mega electron volt. So here option B is the correct answer, that is 13.6 electron volt. Question number 14, during X-ray formation, if voltage increased, then A minimum wavelength decreases, B minimum wavelength increases, C intensity decreases, and D is intensity increases. So here option A is the correct answer, that is minimum wavelength decreases. Question number 15, an electron can never be found inside the nucleus. This statement is according to A, Heisenberg uncertainty principle, B, Bernoulli's equation, C, Bohr's model, and D, both A and B. So it is according to Heisenberg uncertainty principle. Option A is the correct answer, okay?
Now next question is, in helium neon laser, the lasing action is produced by A, neon only, B, helium meaning both, C, electrons of helium, D, electrons of neon. So here option A is the correct answer, that is neon only. Question number 17, what is the velocity of a particle of mass m and de Broglie wavelength? So option A is h by m, b 2h by m, c mh by h, c, d 2hc by m. So here option A is the correct answer, that is h by m. Question number 18 is, UV radiation can be produced by A, heating the filament, B, electron excitation in the gas, C, ionization of atoms, D, all the above. So here option B is the correct answer, that is electron excitation in the gas. Question number 19 is, the penetrating power of X-rays is comparable with that of A, alpha rays, B, beta rays, C, gamma rays, D, all of the above. So here option C is the correct answer, that is gamma rays. Okay. Now question number 20th is, total number of series in hydrogen spectrum is A3, B4, C5, D6. So there are 5 number of series in hydrogen spectrum. So option C is the correct answer. Question number 21, bracket series is obtained when all transition of electron terminate on A, 4th orbit, B, 5th orbit, C, 3rd orbit, D, 2nd orbit. So here option A is the correct answer, that is 4th orbit. Question number 22, in an electronic transition, atom cannot emit A, gamma rays, B, infrared radiation, C, visible light, D, ultraviolet rays. So here option A is the correct answer, that is gamma rays. Okay. Question number 23, the penetrating power of X-rays depends on their A, applied voltage, B, frequency, C, source, D, all of the above. So here option B is the correct answer, that is frequency. Question number 24, in hydrogen spectrum, which one of the following series lie in the ultraviolet region? A, Balmer series, B, Pivot series, C, Brackett series, D, Lyman series. So here answer D is the correct answer, that is Lyman series. Question number 25th, excited atoms return to their ground state in A, 10 raised to power minus 10 second, B, 10 raised to power minus 8 second, C, 10 raised to power minus 6 second, D, 10 raised to power minus 9 second. Answer B is the correct answer, that is 10 raised to power minus 8 second. Next question is, which of the following is an application of molecular spectroscopy? ये यहाँ पे हमारा molecular spectroscopy के question start हो रहे हैं, वो पहले जो करे हमने वो atomic spectra, ठीक है? तो A, structural investigation, B, basis of understanding of colors, C, study of energetic excited reaction products, D, all of the above. So here all of the above is the correct answer, option D is correct. Question number 27, the region of electromagnetic spectrum for nuclear magnetic resonance is A, microwave, B, radio frequency, C, infrared, D, UV rays. So here option B is the correct answer, that is radio frequency. Question number 28, during the motion, if the center of the gravity molecule changes, the molecule process, A, electronic energy, B, rotational energy, C, translation energy, and D is vibrational energy. So here option C is the correct answer, that is translational energy. Okay. Question number 29, the correct order of different types of energy is, so these are the orders you can read. So here from all of these four, option A is the correct answer, that is first is E-electronic, E-vibrational, E-rotational and E-translational. So this is the correct order. Option A is the correct answer. Question number 30th is, the different types of energy associated with a molecule are, so these four, electronic energy, B, vibrational energy, C, rotational energy. So all of these energy are present in a molecule. So option D is the correct answer. Question number 31st, the criteria for electronic spin resonance is A, periodic change in polarizability, B, spin quantum number of nuclei, C, presence of unpaired electron in a molecule, D, presence of chromophore in a molecule. So here option C is the correct answer. Question number 32, the transition zone of Raman spectra is, so A, between vibrational and rotational levels, B, between electronic levels, C, between magnetic levels of nuclei, D, between magnetic levels of unpaired electrons. So here option A is the correct answer. Question number 33, the molecule in which is IR inactive but Raman active is A, N2, B, HCl, C, SO2, D, protein. So here option B is the correct answer, that is HCl.
क्वेश्चन नंबर 34, द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व इन डैश रीजन, ए नियर इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव रीजन, सी विजिबल रीजन, डी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन. सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइक्रोवेव रीजन. क्वेश्चन नंबर 35 इज वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आर ऑलवेज अकंपनाइड बाय डैश ट्रांजिशन. सो ऑप्शन ए इज वाइब्रेशनल, बी रोटेशनल, सी इलेक्ट्रॉनिक, डी नन ऑफ दिस. सो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर ऑलवेज अकंपनाइड बाय डैश ट्रांजिशन, दैट इज रोटेशनल ट्रांजिशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36, द इंक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी शो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन विच रीजन, मतलब इन डैश रीजन. सो ए आई आर रीजन, बी यू वी रीजन, सी विजिबल रीजन, डी माइक्रोवेव रीजन. सो हे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37, द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल्स इन द रमन स्पेक्ट्रा इज, सो रूल इज प्लस माइनस 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल विल नॉट गिव अ रोटेशन इन स्पेक्ट्रम. तो इनमें से N2 जो है वो नहीं देता रोटेशन, क्योंकि वो नॉन पोलर है इसी वजह से. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन शो ए प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. सो N2, OCS, CO2 एंड HCl. So HCl is the correct answer because all other molecules are pi bonded and rotation is restricted around pi bond. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40, द इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लीड्स टू अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आई आर रीजन, बी विजिबल रीजन, सी माइक्रोवेव रीजन, डी यू वी रीजन. सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आई आर रीजन. क्वेश्चन नंबर 41, द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ ए मॉलिक्यूल यील्ड्स 3 रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स. द मॉलिक्यूल इज प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, बी स्फेरिकल टॉप, सी असिमेट्रिक टॉप, डी ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप. सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असिमेट्रिक टॉप. क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा. सो इनमें से CO एग्जिबिट करेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, क्योंकि उसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है इसीलिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल इज गिवन बाय. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, KT/2H.CB√-1/2. क्वेश्चन नंबर 44, द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल एंड ऑफ N2O इज. सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज O. क्वेश्चन नंबर 45, द फॉर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा द सेलेक्शन रूल इज. सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज +-1. क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूल विल नॉट गिव रोटेशन इन स्पेक्ट्रम, ए N2, बी CO, डी CNO, डी HF. सो हियर N2 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉन पोलर. आई थिंक ये क्वेश्चन पहले हो गया, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 47, द क्यू बैंड इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ असाइटनिन इज ऑब्जॉर्ब इन द ए CC स्ट्रेचिंग मोड, बी CH सिमेट्रिक मोड, सी बॉन्डिंग मोड, बैंडिंग मोड, डी CH असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड. सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज CC स्ट्रेचिंग मोड. 48th क्वेश्चन, सो अमंग द सिंगलेस, डबलेट एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फॉस्फोरस इन involves transition between. So phosphorus then involve transition between T and S because phosphorus is due to transition from triplet to single state, whereas fluorescence is due to transition from lowest excited state, single state, to ground state. Okay, question number 49, the Jmax for a rigid diatomic molecule for which at 300 Kelvin the rotational constant is filled. So humko calculate karna hai. सो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा. कैसे? क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकालेंगे. ये वाला फॉर्मूला है, सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट करी और अप्रोक्स क्या आ गया, 8 आंसर आ गया. सो क्वेश्चन नंबर 50 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच विल यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन MCN एंड MNCS बाइंडिंग मोड्स. सो ये IR इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो गाइज, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं. अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, या फिर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया है तो सॉरी, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं.
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।